तो फाइनली फ्री फायर मैक्स लॉन्च हो गया है और अभी हम खेल पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स की ग्राफिक सेटिंग के बारे में, किन किन फोन पे कौन सा सेटिंग सपोर्ट करेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से आप एंड तक देखिएगा क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। तो अभी हम चलते हैं सेटिंग में, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जो कि इसमें डिस्प्ले में जाएंगे, सबसे पहले हम स्मूथ ट्राई करेंगे और देखेंगे इसमें कितना एक्सपीरियंस रहेगा और कैसा रहेगा, जो कि फ्री फायर मैक्स है अल्ट्रा ग्राफिक्स के लिए बना है, मतलब काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जो कि नॉर्मल फ्री फायर से है। तो हम पहले ट्राई करेंगे जो कि स्मूथ पे हम गेम चलाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हमारा फोन हीटअप कितना हो रहा है और बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो कि लॉबी है वो दिखेगा। यहाँ पे जो कि बिलबोर्ड है वहाँ पे किसी का मतलब नाम वाम शाम नहीं है, जो भी मतलब पुराने फ्री फायर में था अगर हम वहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स रखते थे तो किसी का यहाँ पे बैच नहीं चल रहा किसका कितना बैच है। तो बाकी कम साउंड इफेक्ट वो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जैसा था वैसा ही रहेगा, खाली आपका एक्सपीरियंस वैसा रहेगा। अभी हम आगे भी चलते हैं, आगे भी देखेंगे स्मूथ में कैसा चलेगा। अभी जो कि हमारा बैटरी परसेंटेज है वो 45 है। तो अभी हम ट्राई करते हैं एक मिनट में कितना ड्रेन हो जाएगा। 1024 अभी चल रहा है। यहाँ पर आप कुछ आपका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर हम देखेंगे अगर हम फ्री फायर जो कि नॉर्मल है वहाँ पे ये ग्राफिक्स रखते हैं स्मूथ, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया है आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो कि एक्सपीरियंस रहेगा गेम प्ले अगर आप करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। काफ़ी बढ़िया है, बेस्ट चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। ये हम बात करने कर रहे हैं 2GB और 3GB रैम फोन के लिए, वो कुछ इस प्रकार खेल पाएंगे, मतलब अगर उनका फ़ोन लैग होता है जल्दी हीटअप होता है वो बैटरी ड्रेन कर रहा है तो वो स्मूथ खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेस्ट आ रहा है। चलते हैं अभी लॉबी में। तो अभी हम लॉबी में पहुंच गए, हम सेटिंग में फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके रखेंगे अभी स्टैंडर्ड में हम फिर से गेम प्ले करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड में। तो लॉबी यहाँ पे ऐसा दिखेगा, लाइट पास हाला फैन भी दिखने लगा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी बढ़िया है ये वाला जो कि ग्राफिक्स है। आप ट्राई कर सकते हैं अपने 4GB रैम वाले फ़ोन में, क्योंकि पहला वाला था वो 3GB रैम में चलेगा, बढ़िया चलेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा लैग करेगा और हीटअप हो जाएगा फ़ोन इसमें से। तो अभी हम लैंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लैंड कर रहे हैं तो कुछ ऊपर से सेम वैसे ही लग रहा है जो कुछ स्मूथ में था, नीचे देख जाके हम देखते हैं क्या अलग है। तो अभी जो कि ग्राफिक्स है हमने स्मूथ पे रखे हैं, स्टैंडर्ड पे रखे हैं। स्टैंडर्ड पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्री फायर में जो कि अल्ट्रा हम रखते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहता है वो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में स्टैंडर्ड पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है, शेडोज़ की कमी बात ही सेम टू सेम वैसा ही है। तो अगर आपके पास 4GB वाला रैम का फ़ोन है तो ट्राई करिए ये वाला फिल्टर, सॉरी ये वाला ग्राफिक सेटिंग, क्या है कि बढ़िया दिख रहा है, सेम टू सेम फ्री फायर का जो कि अल्ट्रा है शेडोज़ के बगैर वही दिख रहा है। तो अब हम ट्राई करेंगे फ्री जो कि 6GB रैम वाले फ़ोन है वो या उससे ज़्यादा उनके लिए जो कि रहेगा अल्ट्रा वाला, और उसमें हम शेडोज़ पहले बंद रखेंगे और फिर शेडोज़ हम ऑन कर रखेंगे और बाकी जो कि अल्ट्रा HDR है बाकी सब कुछ हम ऑन करेंगे, फिर देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड था जिसमें हमारा हाई FPS नॉर्मल हमने रखा था। तो अगर आप हाई भी रखना चाहते तो थोड़ा मतलब बढ़िया लगेगा अगर आप मतलब इस वाले स्पीड पर खेलना चाहते। अभी हम अल्ट्रा पे जाएंगे, अल्ट्रा पे हम बंद रखेंगे सब पहले, अब हम इसमें ट्राई करने जा रहे हैं। तो अल्ट्रा में हमने शेयर भी ऑफ रखे हैं और जो कि बाकी हाई FPS है वो भी हमने नॉर्मली रखा है, तो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहेगा, मतलब पूरा बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते शेयर वहाँ से दिए गए हैं यहाँ अभी से शेयर हो, जबकि हमने शेयर बंद रखे और फिल्टर भी अभी हमने कोई नहीं रखा है, तो अभी हम कितने रखेंगे फिल्टर भी रखा है कला से रखते हैं। ये आपका मतलब थोड़ा कलर ब्राइट हो जाता है फिल्टर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी फिल्टर कौन सा रखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एंड में एंड बटन में भी आपको मिलेगा कि कौन सा फिल्टर सबसे बेस्ट है, उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमने अल्ट्रा रखा है, अल्ट्रा वाला ब्राइटनेस, अल्ट्रा वाला जो कि ग्राफिक सेटिंग रखा है, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस दिखेगा हमको। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें हाई FPS ऑफ है और शेडोज भी ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा हमको दिखने वाला है इसमें। लेकिन बात क्या है, इसमें मेरा अभी 6GB वाला रैम फ़ोन है, फ़ोन हीटअप जल्दी होगा तो ये दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास 8GB है वो भी हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो जाएगा जितना मेरा हो रहा है, और बैटरी भी ड्रेन हो रहा है, आप देख सकते हो कितना बैटरी परसेंटेज खत्म हुआ है। तो कुछ इस प्रकार आपका व्यू रहेगा। सेटिंग्स नया आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे दौड़े। अरे हमको नहीं मारना भाई, हमको वीडियो बनाना है। तो कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये आपने देख लिया, अभी हम ट्राई करेंगे
ग्राफिक्स का जो कि अल्ट्रा हमने ये बंद रखा था, अल्ट्रा में हमने बंद रखा था शेडो वगैरह, वो भी हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा हाई रेजोल्यूशन था वो हमने नॉर्मल रखा था, ये भी हम हाई रखेंगे, शेडो भी हाई रखेंगे और फिल्टर भी विविड रखेंगे जो कि सबसे बेस्ट फिल्टर है, या वीडियो में देख सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उसके बाद हाई एफपीएस हाई रखेंगे, इससे हमारा बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगा और फ़ोन जल्दी गर्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रहता है बस ये कुछ सेटिंग है जो कि हाई है, हाईएस्ट है। तो अभी हम इसमें गेम प्ले करने जा रहे हैं और सकते हैं। तो अभी हम लॉबी में आ गए हैं और इस प्रकार आपका लॉबी का व्यू रहेगा, काफ़ी बढ़िया है। और अभी हम बैटल रॉयल में जाके देखेंगे वहाँ पे कैसा लगेगा हमें। तो अभी हम लैंड कर रहे हैं क्लॉक टॉप पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू क्या बढ़िया लग रहा है। फिल्टर भी हमारा जो कि विविड है वही आप सेलेक्ट करके रखना, अगर आप अल्ट्रा पे खेलेंगे और ये वाली पूरी सेटिंग ऑन रखेंगे, हाई एफपीएस हाई रखेंगे, शेडोज ऑन रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स का कलर देखिए और उसमें शार्पनेस देखिए क्या बढ़िया आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया है ये वाला फिल्टर, लेकिन ये वाला जो कि सेटिंग है ये 4GB और 3GB 2GB फ़ोन पर नहीं चलने वाला, तो उनके लिए आपको वो वाले सेटिंग ये सेट करना है। तो ये गड़बड़ हो सकती है अगर आप मतलब लेग हो जाएगा पूरा और आपका गेम बंद हो जाएगा जैसे ही आप पैराशूट से उतरेंगे। अगर आपने हाई ग्रेफिक्स रखा 2GB 3GB रैम फ़ोन पे तो आपका क्या होगा, गेम रुक जाएगा और फिर आपको नए से चार्ज करना पड़ेगा और बार बार गेम बंद होता जाएगा और आप गेम में लटक जाएंगे कहीं पे, उसके बाद ही गेम ही बंद हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे पेड़ पौधे देखिए आप क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा। अभी हम कार भी ट्राई करेंगे इस वाले फिल्टर में क्योंकि ये सबसे बेस्ट वाला फिल्टर है, हमको मारना दीजिए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे गाड़ी में जाके, तो ये देखिए यहाँ पे आपका धुआं भी आएगा गाड़ी में जब हम चलेंगे, लेकिन ये खाली इस वाले फिल्टर में चलेगा जब हर एक सेटिंग ऑन रहेगी तब। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा अगर आपने ये सेटिंग रखी और आपका 6G वाला रैम का फोन होगा तब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो।